बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति पैदा हो रखी है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। आरक्षण के मुद्दे पर बढ़ती हिंसा के बीच शेख हसीना पर दबाव था इस्तीफा देने का। न सिर्फ शेख हसीना ने इस्तीफा दिया बल्कि वो ढाका छोड़ भी चुकी हैं और इस वक्त भारतीय एयर स्पेस से वो फ्लाई कर रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले पटना से उनका विमान गुजरा था और पटना के बाद अब वाराणसी को क्रॉस करते हुए जौनपुर के रास्ते ये विमान आगे बढ़ रहा है, जिसकी संख्या AJ-AX-1431 है और इसी विमान में सवार है शेख हसीना। इसी बीच में दिल्ली में जो बांग्लादेशी हाई कमीशन है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है, वहां पर सिक्योरिटी को एनहांस कर दिया गया है। दूसरी तरफ बांग्लादेश में पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है, वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घुसे हुए हैं। एक बार फिर से आपको वो रूट, वो मैप पर हम दिखा रहे हैं रास्ता जिसमें शेख हसीना का विमान है और शेख हसीना का विमान जिसकी संख्या AJ-AX-1431 है, ये शेख हसीना इसमें है और ये पश्चिम बंगाल से बिहार क्रॉस करते हुए अब आगे उत्तर प्रदेश में एंटर करते हुए देखिए जौनपुर को क्रॉस करते हुए, इससे पहले वाराणसी से उनका विमान गुजरा, फिर आगे सुल्तानपुर के रास्ते लखनऊ होते हुए अभी खबर ये है कि 5 बजे शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं। 5 बजे शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं। फिर आगे करना क्या है, आगे की स्ट्रेटजी क्या है, इस पर चर्चा की जाएगी, इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी। लेकिन एक तरफ ढाका में हालात बिगड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ शेख हसीना बांग्लादेश से निकल चुकी है, भारतीय एयर स्पेस में इस वक्त वो फ्लाई कर रही है।